हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे पीटर्स ब्लॉग पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग भले चंगे होंगे। आज मैं आप लोगों को देवघर का शानदार नया एयरपोर्ट दिखाना चाहता हूं। तो ये देख सकते हैं वो सुंदर नज़ारा। और ये एयरपोर्ट जो है 657 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और इसको बनाने के लिए जो लागत लगी है 400 करोड़। और ये नया एयरपोर्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जुलाई 2022 को इनॉग्रेट किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये सुंदर एयरपोर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग के लिए काफी जगह बनी हुई है और विशेष करके चारों ओर जो है वो बहुत ही सुंदर वातावरण। साथ में आप देख सकते हैं चारों ओर एंट्री का और फिर एग्जिट का बहुत सुंदर प्रबंध किया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं पार्किंग स्पॉट, ये पूरी तरह से सोलार पैनल से बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह काफ़ी है। तो बहुत शांत ये जगह है, बहुत सुंदर वातावरण है। और चारों तरफ अगर आप देखोगे तो केवल आपको ग्रीन जो है वो ज़मीन आपको दिखाई देगी, क्योंकि जस्ट अभी सारा काम जो है वो चल ही रहा है। और आप देख सकते हैं शान से हमारा जो झंडा है वो लहराते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो है आप बाइक को खड़ी कर सकते हैं। और ये सोलार पैनल के नीचे जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती है। और काफ़ी जगह यहाँ पर है, बहुत खूबसूरत ढंग से ये बनाया गया है। और चारों तरफ आप अगर देखेंगे तो बहुत ही साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। शान से लहराते हुए तिरंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं सोलर पैनल का बना हुआ है ये। तो एक गोली में जैसे हम कहते हैं दो शिकार, वही काम किया गया है कि आप जो है सोलार से जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी आप उत्पादन कर सकते हैं और साथ में जो है यहाँ पार्किंग के लिए भी आपके लिए जगह बनी हुई है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे एयरपोर्ट यानी अराइवल की जगह की ओर, तो आप देख सकते हैं जाने के लिए पाथवे बनाया गया है और जगह जगह पर जो है वो बोर्ड बनी हुई है। इधर भी आप कुछ बिल्डिंग्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टैचू आप देख सकते हैं। अब पता है ये स्टैचू किसका है? ये श्रद्धालुओं का स्टैचू है। देवघर को एक पवित्र भूमि माना जाता है और बहुत दूर दराज से लोग जो यहाँ पर जल चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं, भगवान की आराधना करने के लिए आते हैं, उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पर कि पूरी तरह से जो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह जो है ये नज़र आए। तो इस कदर से जो है गाड़ी जो है यहाँ पर जब आप किसी को छोड़ने आते हैं तो इस तरह से लाइन से यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करते हुए लोगों को जो है उतार कर जो है आप आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं। या फिर किसी को अगर आपको पिकअप भी करना है तो इस कदर आप गाड़ी लगा सकते हैं। अभी ऐसे बहुत भीड़ नहीं है तो इसलिए किसी बात के लिए कोई दिक्कत नहीं। असल में आज मैं आया हूँ, कुछ लोग जो है दिल्ली से आने वाले हैं और यहाँ से आपको फ्लाइट जो है दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए आराम से मिल जाती है। तो इस कदर से आप जो है देख सकते हैं सामने से। बागबानी का काम अभी भी चल ही रहा है और मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनने वाली है, जो कि काफ़ी चीज़ें अभी बनना बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन बोर्ड में डिपार्चर का, यहाँ पर आपको समय और फ्लाइट्स के नाम आपको जो है मिल जाएंगे।
तो मैं इस समय अंदर में हूँ और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये ऊपर देख सकते हैं बहुत सुंदर से डिजाइन में बनाया गया है। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को मैं अंदर नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था। मुझे कहा गया कि यहाँ पर आप कैमरा नहीं कर सकते, वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद मैंने उसे ऑफ कर दिया। तो बस अभी मेरी फैमिली आने ही वाली है, बस मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर अराइवल है, ये देखिए। इधर इधर इधर। तो बस अभी सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हमें यहाँ से निकलना है दोस्तों। गाड़ी लग चुकी है और इस कदर आप देख सकते हैं, अभी जस्ट अराइवल का समय हुआ है। दिल्ली से जस्ट फ्लाइट अभी लैंड की है और सब लोग धीरे धीरे से जो है अपनी घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। जैसे ही आप लोग निकलते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए कुछ टिकट्स के पैसे देने पड़ते हैं, मुझे नहीं पता। कितना हुआ भैया? तो दोस्तों ये था एक छोटी सी जानकारी देवघर एयरपोर्ट के बारे में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ढेर सारे प्यार के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी सलामत से रहे। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।